Process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. जगदीप धनखड़ का सियासी सफर 33 साल पुराना है, लेकिन वो देश की नजरों में तब आए जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। मुख्यमंत्री राज्यपाल के टकराव ने उन्हें एक सख्त प्रशासक की छवि दी और दीदी के साथ सियासी तलखी ने उन्हें एक बेहद सधे हुए राजनेता की पहचान दी। पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है। बहुत कम राज्यपाल ऐसे होते हैं जो मीडिया से खुलकर बात करना पसंद करते हैं। जगदीप धनखड़ उन्हीं कम राज्यपालों में शुमार रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते उन्होंने मीडिया से कभी परहेज नहीं किया। जब भी सरकार से किसी मुद्दे पर मतभेद हुए, उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। जगह कोई भी हो, कोलकाता, सिलीगुड़ी या फिर दार्जिलिंग, मुद्दा कोई भी हो, चुनाव बाद हिंसा का या फिर बीरभूम में आगजनी के बाद हिंसा का, जगदीप धनखड़ ममता सरकार को खुली नसीहत देने में कभी पीछे नहीं रहे। फ्रॉम प्रोसेस ऑफ लॉ वी आर एट द मोमेंट इन अ वेरी डिफिकल्ट क्राइसिस। आई एम गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। पीपल आर वरीड। आई एम इन टच विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर झुंझुनू में एक छोटा सा गांव है किठाना। छोटे से गांव से निकलकर सियासी गलियारों से होते हुए उपराष्ट्रपति तक के सफर में किसान का बेटा होना जगदीप धनखड़ की मेहनत को धार देता रहा। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जगदीप धनखड़ को जानने वाले बताते हैं कि वो कभी राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने इसकी सलाह दी। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में LLB किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। जगदीप धनखड़ को याद करके उनके गांव वाले कई दिलचस्प बातें बताते हैं। गांव के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई काम किए हैं। सिलाई ट्रेनिंग सेंटर शुरू करवाया, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए, लाइब्रेरी खुलवाई। लोग बताते हैं कि जगदीप धनखड़ अपने गांव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स थे। अब उनकी ख्वाहिश है कि गांव का हर लड़का धड़ल्ले से अंग्रेजी बोले, इसलिए गांव में स्पोकन इंग्लिश के क्लास भी खुलवाए। जगदीप धनखड़ के पिता गोकुलचंद धनखड़ खेती करते थे। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की है।
उनके पास लॉ की डिग्री है। 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। वो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ भले ही सत्ता और सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी ना हो, भले ही कानून के सधे हुए जानकार हो, लेकिन उनके भीतर आज भी एक ठेठ देसी किसान पुत्र की आत्मा बसती है। आज तक के रोज़।